तो चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आप बहुत ही बेहतर होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये देखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि I4 और I5। I4 मतलब इस वाले में करंट I4 है, ठीक है, और इस वाले में करंट I5 है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेन करंट जो यहाँ बैटरी जो मेन करंट I सप्लाई करती है वो निकालूँ, तो वो कितना है? तो सबसे पहले वो निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस को जोड़ लो, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम दिख रहा हो आपको। ये कितना भाई? ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और ये 20 ओम है, और ये 5 ओम है, ठीक है ना। तो इस तरह से लगे हुए हैं सीरीज और पैरेलल में। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो ये 2 और 2 का सीरीज में कितना होता है भाई? 1 होता है। आई होप कि आपको ये बेसिक पता होगा। तो ये 2 और ये 2 मिलके 1 बना लिए, 1 ओम पैरेलल में है ना, 1 ओम। तो 2 जितने होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 और 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1, और प्लस सीरीज में पहले से ये 2 ओम लगा हुआ था, ये वाला 2 ओम। और 20 और 5 का कितना होगा भाई? तो 20 और 5 का, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5। तो ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हो जाएगी, देखो यहाँ से 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 20 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 और डिवाइडेड बाई यहाँ से 25, तो 5 टाइम्स कट गया तो यह जाएगा 4। तो यहाँ से आ गया ये 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटल 4, और इधर एक और भी तो लगा था 2 ओम का, तो ये साइड में लगा था 2 ओम का। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो ये नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो नेट रेजिस्टेंस, यहाँ जो बैटरी लगी थी वो कितने वोल्ट की थी बैटरी? 24 वोल्ट की। तो नेट रेजिस्टेंस आर नेट पूरे सर्किट का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है ना। तो 8 9 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 9 टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से देखोगे तो यह आ जाएगा। हाँ, यहाँ एक और भी रेजिस्टेंस था शायद, ये रेजिस्टेंस यहाँ से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ था। तो यहाँ से एक लिटिल बिट मिस्टेक हो गया, यहाँ से कोई बात नहीं। यहाँ बैटरी की जो 3 ओम है वो इंटरनल रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा था यहाँ से, तो ये भी तो 3 ओम है, तो ये 3 ओम यहाँ भी काउंट होगा, ठीक है। तो ये 3 ओम जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब सीरीज में लगेगा तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, तो डेट इज 8 और 4 9, और ये 12 ओम। ये तो जो करंट बैटरी भेजेगी, करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है? 24, और टोटल रेजिस्टेंस 12 है, तो 2 एम्पीयर टोटल करंट गया होगा। तो जो बैटरी यहाँ से करंट भेज रही है दैट इज बेसिकली 2 एम्पीयर। तो यहाँ से 2 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा, तो यहाँ से 2 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा। तो ये बात बिल्कुल हमें पता चल गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ ये वाला जो 2 ओम है, ये वाला जो 2 ओम है, इसमें इसमें 2 एम्पियर का करंट होगा। और इसको आप जूम करके इसको इसको रीड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से ये ऐसे है कुछ, ठीक है। तो यहाँ से 20 ओम का ऐसे है, और यहाँ से ये वाली जो रेजिस्टेंस है बेसिकली देखोगे तो ये 5 ओम का है, तो ये 5 ओम का है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे, ये यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे तो ये 2 एम्पियर यहाँ से आई। अब इसमें जो करंट है वो कितनी है? I4, और इसमें जो करंट है वो I5। तो I4 और I5 की वैल्यू हमें निकालना है। तो I4 और I5 की अगर वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो देखो कैसे मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो I4 की जो वैल्यू, आप सबको पता है कि इसमें जो करंट है, करंट डिवाइडर रूल आप पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े तो आप बोल सॉरी करंट डिवाइडर रूल नहीं पढ़े हो तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल बराबर कर दो। चलो इसमें अगर I4 जा रहा, तो इसमें I5 की जो वैल्यू होगी वो 2 माइनस I4 होगी, आया समझ में। तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे करंट डिवाइडर टूर से, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है,
तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर होता है, तो ए और बी का पोटेंशियल बराबर कर दूं तो यहाँ से आई फोर मल्टीप्लाइड बाई 20 बराबर होगा, तो बराबर होगा तो बी इक्वल टू आई आर होता ना, तो बराबर होगा आई यहाँ से 5 और मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आई 4, तो 2 माइनस आई 4 इक्वल टू 10 माइनस 5 आई 4, तो 5 आई 4 तुम देखोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आई 4 इज इक्वल टू 10, तो I4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10/25 मतलब 2/5, तो I4 की जो वैल्यू होगी 2/5 एम्पियर, मतलब ये सही हो नहीं हो सकता, ये सही है मतलब कुल मिला के अपना फोर्थ ऑप्शन ही सही है। तो यहाँ से I5 की जो वैल्यू आ जाएगी, तो I5 की जो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आई 4, तो 2 माइनस आई 4 2/5, ठीक है, तो 2/5 पे 8/5 एम्पियर, ठीक है, तो 8/5 एम्पियर जो कि I5 है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखना, मोटिवेटेड रहो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।